नमस्ते दोस्तों, बंजारा फूडी में आपका स्वागत है। मैं हूं जगु। आज हम बनाने जा रहे रोहू फिश करी, और कैसे बनाना है आज हम देखेंगे। एक केजी रोहू फिश लिया है मैंने यहाँ पे, और अच्छे से धो के रख लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी फिश ले सकते हैं। फिश करी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए अब हम देखेंगे। 10 ग्राम इमली लेंगे और 5 मिनट तक भिगो के रखेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 4 काली मिर्च, 1 नींबू, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच होममेड बंजारा रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा सूखा नारियल। नारियल को ग्राइंड करके रख लिया है मैंने यहाँ पे। अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 नींबू निचोड़ लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड बंजारा रेड चिली पाउडर, खसखस, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इमली का रस निकाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन को लास्ट में डालें, हल्दी। अब हम अच्छे से कोट कर लेंगे। मसाला ऐसे लगाना है कि पीसेस पे एक लेयर आ जाए, तब तक हमें अच्छे से मसाला लगा लेना है। अब पीसेस जो है अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम 5 मिनट तक ढक के रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज के बाहर पे भी रख सकते हैं। अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और गैस ऑन कर लेंगे। अब अच्छे से कढ़ाई गरम होने देंगे। अब अच्छे से कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम तेल डालेंगे। करीब 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम नारियल पेस्ट डालेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच की मदद से चलाते रहे ताकि नारियल पेस्ट जो है जले नहीं। अब नारियल पेस्ट जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम साबुत 4 काली मिर्च डालेंगे। अब मसाला पक चुका है, फिश भी मैरिनेट हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारे पीसेस को एक एक करके डालते जाएंगे कढ़ाई में। अच्छे से मिला लेंगे। करीब 2 मिनट के बाद पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 ग्लास पानी लिया है। हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। अब तक 5 मिनट तक फिश जो है पक चुका है। अब हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब फिश जो है पक के रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि उसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। उसका स्मेल जो है बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। आप देख ही सकते हो इसका कलर कैसा आ चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। बंजारा फूडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचती रहेगी। थैंक यू।